प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की। तेल समृद्ध देश में भारतीय समुदाय के कल्याण पर बात हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को लिखा, दुबई में कोप 28 के कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐसे समय में मुलाकात हुई जब कतर में भारत के 8 पूर्व 9 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत सरकार इन लोगों की देश वापसी का प्रयास कर रही है और सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की एक कोर्ट ने 26 नवंबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस फैसले से वो स्तब्ध हैं। पूरे मामले में सभी कानूनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को ही कहा था कि पूर्व नौ सैनिकों को वापस लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यह 8 पूर्व नौ सैनिक भारतीय नागरिक अल दाहरा कंपनी में काम कर रहे थे और इन्हें पिछले साल अगस्त में जासूसी के कथित मामले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि कतर ने आधिकारिक तौर पर आरोपों को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।